आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम पिछले मैच की नाकामी को भुलाकर केकेआर के खिलाफ आईपीएल मैच में दमदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। मुंबई पिछले मैच में रोहित और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक के बिना खेला था। इन दोनों को हल्की चोटों के कारण एहतियात के तौर पर विश्राम दिया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में मुंबई को 20 रनों से हराया था। मुंबई के मुख्य कोच महेला जयवर्धने के अनुसार रोहित केकेआर के खिलाफ मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी तरफ केकेआर के लीग के दूसरे चरण के अपने पहले मैच में आरसीबी को 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद जबरदस्त फायदा मिला है। वो अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अंक तालिका में 8 अंक लेकर चौथे स्थान पर काबिज मुंबई ने दूसरे चरण की भी अपनी चिर परिचित अंदाज में धीमी शुरुआत की, लेकिन अब आधा टूर्नामेंट हो चुका है। मौजूदा चैंपियन को शीर्ष चार में बने रहने के लिए जीत की जरूरत है। रोहित पिछले कुछ समय से शानदार लय में चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो इसे बरकरार रखकर बल्लेबाजों की चेन्नई के खिलाफ की गई गलतियों में सुधार करने में मदद करेंगे। चेन्नई के खिलाफ 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौरभ तिवारी को छोड़कर मुंबई का कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ पहले मैच में शानदार जीत से केकेआर का मनोबल बढ़ा होगा। पहले चरण में संघर्ष करने वाली केकेआर की टीम आरसीबी के खिलाफ इस मैच में पूरे तरीके से बदली हुई नजर आई। ऑयन मॉर्गन की अगुवाई वाली टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर है। वहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 थोड़ा सा अलग नजर आएगी। बता दें आपको कि इस प्लेइंग 11 में आज मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर ईशान किशन, 5 नंबर पर कायरन पोलार्ड, 6 नंबर पर सौरभ तिवारी, 7 नंबर पर कृणाल पांड्या, 8 नंबर पर एडम मिलने, 9 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10 नंबर पर ट्रेंट बोल्ट और 11 नंबर पर राहुल चाहर खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर कप्तान ऑयन मॉर्गन, 4 नंबर पर नीतीश राणा, 5 नंबर पर दिनेश कार्तिक खेलते नजर आएंगे। 6 नंबर की बात की जाए तो आंद्रे रसेल खेलते नजर आएंगे। 7 नंबर की बात की जाए तो 7 नंबर पर यहाँ पर मौका दिया जा सकता है सुनील नारायण को। 8 नंबर पर लॉकी फर्ग्यूसन, 9 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती, 10 नंबर पर कमलेश नागरकोटी और 11 नंबर पर यहाँ पर नजर आ सकते हैं टिम साउथी। अब ये देखना होगा कि दोनों के बीच आज का मुकाबला आखिरकार जीतता कौन। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, दोनों ही टीमें जीत की दरकार चाहती हैं और किस तरीके से जीतेंगे ये भी एक बड़ा सवाल होगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।